अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। हाँ जान बोलो। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? और हमें समझ में नहीं आ रहा, हम तुम्हें कैसे बताएं ये सब? क्या, क्यों और कैसे, ये तीन शब्द ना हमारे रिलेशन में कभी नहीं आना चाहिए। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं। तो फिर हार्ट, हमें ना आज हॉस्टल की फीस भरनी है और हमारे पास पैसे नहीं है। तुम्हें पता है वो वार्डन ने हमारी आज बहुत बेइज्जती करी और उसने आपको कहा कि अगर आज हमने पैसे नहीं दिए ना तो वो हमें हॉस्टल से बाहर निकाल देगी। ऐसे कैसे निकाल देगी, कितने पैसे चाहिए उसे? 15,000। तुम फिक्र मत करो, हम अभी आ रहे हैं पैसे लेके। लेकिन पार्थ, तुम इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करोगे? पायल, क्या, क्यों और कैसे के साथ लेकिन शब्द भी हमारे रिश्ते में कभी नहीं आएगा। हम कर लेंगे इंतजाम, तुम रोना बंद करो, हम आ रहे हैं अभी। हाँ लो, हो गया काम। अब किसी भी वक्त आता होगा मेरा चाबी वाला गुड्डा पैसों के साथ। कमाल की लड़की हो यार, क्या पागल बनाया है तुमने उसका। वैसे तुम्हें उसके गुस्से से डर नहीं लगता है क्या? हाँ पायल, अगर उसने फ्यूचर में तुम्हें या अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा लिया तो? उसका गुस्सा औरों के लिए है, हमारे लिए तो उसकी दीवानगी है। जानती हो, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वो हमारे लिए नहीं कर सकता। बाकी जब तक काम चल रहा है चला रहे, जिस दिन कोई और अमीर मिला छोड़ देंगे यार, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। वाह पायल, कर देती हो अदाओं से घायल। ये दादी कहाँ चली गई? चाय भी ठंडी हो जाएगी। अरे, ये पार्थ अपने ही घर में ऐसे चोरों की तरह पैसे क्यों निकाल रहे हैं? शर्मा जी की फाइल अंदर पड़ी, उनका भी हिसाब किताब करना बाकी है, एक बार देख लेता हूं। अगर अंकल जी ने पार्थ को ऐसे पैसे निकालते हुए देख लिया तो बवाल मच जाएगा। कुछ मदद कीजिए कान्हा जी, क्या करें हम, पार्थ को कैसे बचाएं? कुछ सोचो मीरा, कुछ सोचो। पार्थ ने कितनी बार आके तुम्हें तुम्हारे सपनों में बचाया, अब तुम्हारी बारी है, जल्दी कुछ सोचो। अंकल जी, आप यहाँ? क्यों, हमारे घर है। हाँ, मतलब हाँ, वो दादी जी बुला रही है ना आपको।
माँ आपको बुला रही, हमें आवाज क्यों नहीं आई? नहीं, उन्होंने बोला तो मदन मतलब आपका नाम बुला रही थी वो। अच्छा, देखते हैं। बात बताओ, तुम ढंग का चश्मा क्यों नहीं लगवा लेती कोई? हाँ, कभी हमसे भिड़ जाती हो, कभी तालाब में डूब जाती हो। नहीं, कोई काम है जो ठीक से कर पाती हो तुम? नहीं नहीं, अब कुछ बोलोगी? नहीं, वो हम मतलब वो... हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए, हमारी गलती, हमने तुमसे कुछ पूछ लिया। सांसें थम जाती हैं, जुबान रुक जाती है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। ये ऐसा कैसा रोग है जो उनके सामने आते ही हमें हो जाता है? मीरा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, फ्री में फुल मसाला मूवी का सीन देखने को मिलेगा। अच्छा सुनो, हमारी आंखें रोई हुई लग रही है ना, वरना उसे यकीन कैसे आएगा कि हम रोए थे? पार्थ आ गया, मैं तो कह रहा हूँ जाओ ऐसे, जाओ जाओ। पार्थ, क्या बोली वो औरत? हाँ, उसने तुम्हें रुलाया ना, आज दुगने आंसू वो भाएगी, तुम देख लेना, चलो रहो हमारे साथ। पार्थ, अब पैसे लाए हो? हमारा मतलब है कि पैसों का इंतजाम हुआ पार्थ? वो हमें हॉस्टल से बाहर निकाल देगी। कुछ नहीं कर पाएगी वो वार्डन, आज उस वार्डन का बुरा वक्त आया है, तुम चलो हमारे साथ। पार्थू, अब देखो, पैसे मांगना तो उसका काम है ना। पैसे मांगना उसका काम है, लेकिन डांटना उसका काम नहीं है ना, तो आज हम उसको उसका काम सिखाएंगे। ओ गॉड, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत डसी हो तुम, हमको सुना ना, आज ये सांप तुमको डसेगा और तुम्हारा चैप्टर हमेशा के लिए खत्म। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर शाम 7:30 बजे। अगर ये वार्डन के पास पहुंच गया ना, तो सारा भांडा फूट जाएगा। क्या करें क्या करें क्या करें? हम जानते हैं, वार्डन की बातें तुम्हारे दिल पे लगी है ना, इसलिए तुम इतना सोच रही हो। पार्थो, देखो, हम जानते हैं कि तुम्हें उस वार्डन पे अभी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन बीबी, उस वार्डन को नहीं पता ना कि जिसको वो तंग कर रही है उसके आगे पीछे दाएं बाएं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्यूट सा बेबी है। हमारा पार्थ, माफ कर दो ना उसको पार्थ, अब बुढ़िया है बेचारी, प्लीज। लेकिन जान उसने, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, कभी कभी हमारी बात भी सुन लिया करो। अच्छा तुम यहाँ बैठो, हमें तुम्हारे साथ में एक अच्छी सी कॉफी पीनी है, बैठो बैठो। अच्छा ठीक है, ये लो पैसे और जाके ना उसके मुंह पे मारना। थैंक यू बेबी, हम ना सच में बहुत लकी हैं जो हमें तुम मिले। सच में पार्थ, तुम ना जादूगर हो, चुटकी बजाते हो और छत से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। I love you, baby.
तुम्हारी हर परेशानी हर मुसीबत का कल हमारे प्यार की हद के सामने छोटा है पायल। और वैसे भी ये कोई मैजिक वैजिक नहीं है, ये तो प्रैक्टिस है। तुम देखना शादी के बाद ना चुटकी भर दिक्कत नहीं आने देंगे तुमको। एक सेकंड, क्या कहा तुमने? शादी? तुम मजाक कर रहे हो ना पार्थु? शादी के बारे में हमने भी कुछ नहीं सोचा। अभी तो हमें लाइफ जीनी है, मस्ती करना है, खुल के एंजॉय करना है। और तुम भी मत सोचो। नहीं सोचो से क्या मतलब है तुम्हारा? शादी तो हमारे साथ ही करोगी ना तुम? बेबी अभी हमारे पास सोचने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहे, शायद तुम समझ नहीं रहे हो। टाइमिंग से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ नहीं, ये जो तुम्हारी ख्वाहिशें हैं दुनिया घूमने की, पार्टी करने की, करियर बनाने की, ये सब तो तुम हमारे साथ ही करोगी ना? और ये सब तो शादी के बाद भी हो सकता है। नहीं क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? तुम समझ नहीं रहे हो पार्थ। पायल पायल, हमने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब चाहिए उसका। तुम ये सब क्यों कर रहे हो पार्थ? हम छोटे हैं अभी, हम शादी नहीं कर सकते। हमारे करीब आने पर सांसें भारी, धड़कनें तेज और पेट में तितली उड़ रही है ना? तुम छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। आज तक पार्थ का तुमने सिर्फ दीवानापन देखा है पायल। आगे चलकर तुमने शादी के लिए नानुपुर की ना, तो पार्थ का पागलपन भी देखोगी। हमें धोखा देने की कभी गलती मत करना पायल, क्योंकि ना वो हमारे लिए अच्छा होगा और ना ही तुम्हारे लिए। बाकी जब तक काम चल रहा है चला रही, उस दिन कोई और अमीर मिला छोड़ देंगे यार, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। जी पापा। हाँ, जानते हैं बहुत लेट हो गया, बस हम निकल ही रहे हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि मैं एक एक की खाल खींचूं, जल्दी बताओ कि पैसे किसने लिए? हमें नहीं मालूम साहब, हमने नहीं उठाए पैसे। तुम कहां जा रही हो? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? हाँ कहीं तुमने तो नहीं चुराए ना पैसे? आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं, शक्ल से तो बड़े भोले दिखते हैं और अक्ल से बहुत शातिर। नहीं नहीं, हम तो यहाँ बस फाइल देने आए थे। फाइल देने आई थी तो अब तक यहाँ पे क्या कर रही हो? बहुत देर से हम तुमको यहाँ पे मंडराता हुआ देख रहे हैं। अंकल जी, हम सच बोल रहे हैं, हम चलते हैं। दुनिया का सिद्धांत है, नौकर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मालिक के पैसे से उसकी नजर कभी नहीं हटती। और तुम भी तो इन नौकरों जैसी इनकी नौकरी तो हो। ये घर की साफ सफाई करते हैं और तुम शायद तिजोरी की। भाई साहब, मैं तो कहती हूं कि इसकी बैग की तलाशी लीजिए। ए, बैग खोल अपना। नहीं अंकल जी, क्या हमने नहीं की है चोरी? नहीं नहीं, ये तो छाया की लड़की है, ये ऐसा क्यों करेगी?
भाभी जी आप बहुत बोली हैं। आपको पता नहीं पैसों के सामने बड़े बड़े संस्कारी मक्कारी बन जाते हैं। और हमें तो पूरा यकीन है कि पैसे इसी लड़की ने चुराए हैं। भाई साहब हम तो कहते हैं आप पुलिस को बुलाइए। पुलिस जब अपनी तरीके से पूछताछ करेगी ना तो ये लड़की यूं सच उगल देगी। पुलिस? नहीं नहीं अंकल जी प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। अगर हमारे मम्मी पापा को पता चल गया तो वो बहुत डांटेंगे। हम सच बता रहे हैं आपको, हमने नहीं चुराए पैसे। हमने नहीं चुराए पैसे बेटा, ये तो हर एक चोर का तकिया कलाम होता। हम 5 तक गिनती गिनेंगे, सच बता दो वरना जेल की हवा खिलाएंगे तुम्हें। कान्हा जी अब आप ही कुछ कीजिए, हम नहीं बता सकते हैं कि पैसे पार्थ ने लिए, नहीं तो उन्हें बहुत डांट पड़ेगी। अब क्या करें हम? दो। सच बता दो लड़की पैसे कहाँ है? हमने पैसे नहीं लिए, हम सच बता रहे हैं। झूठ। ये हमारा फोन नहीं उठा रही है। तुम बिना वजह ही परेशान हो रहे, वो आ जाएगी। कैसे बाप हैं आप? कौन बाप इस तरह अपनी बेटी को जानबूझ के खतरे के मुंह में भेजता है? आप अच्छे से जानते हैं कि कल वो गुंडा लड़का ऐसे बाजार में सरेआम मारपीट कर रहा था और आज आपने अपनी बेटी को फाइल लेके उसके घर भेज दिया, ऊपर से हमारा फोन भी नहीं उठा रही है। राम हमें तो लग रहा है किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। छाया तुम बिना वजह ही इतना परेशान हो रही हो। माना उनका लड़का लड़ाकू जरूर है लेकिन पागल थोड़ी ना है जो बिना बात के मीरा से कुछ भी बोले। और वैसे भी मीरा उस लड़के से मिलने नहीं बल्कि मदन जी के पास गई थी, वहां उनका पूरा परिवार है। अभी मीरा से कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी, मीरा अब तक वहां से निकल चुकी होगी। निकल चुकी होगी? फाइल लेके आने में इतनी देर थोड़ी ना लगती है। देखिए अगर कुछ मिनटों में हमारी बेटी घर नहीं पहुंची ना तो हम खुद उसे लेने जाएंगे। क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हें नहीं पता पैसे कहाँ हैं? पार्थ हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये अच्छे से जानती है पैसे कहाँ हैं। आखिरी बार पूछ रहे हैं हमारे पैसे किसने लिए, किसने चुराए हमारे पैसे? हमने। अपने घर में चोरी? चोरी? अरे अपने पापा की अलमारी से पैसे निकालने को चोरी कब से बोलने लगे? जरूरत थी तो ले लिए पैसे। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें बिना बताए तुम्हें पैसे निकालने पड़े? अरे बात आपको बताएं, ये जरूरी तो नहीं है ना। अच्छा कहीं इस बार फिर से उस दो कौड़ी की लड़की पायल पे तो पैसे नहीं उड़ाने? पापा जी बस।
फाइल हमारी जिंदगी है, उसके खिलाफ एक शब्द भी मत बोलिएगा। अगर तुम्हारी जिंदगी है, अगर उस पर पैसे उड़ाने का इतना ही शौक है ना, तो खुद पैसे कमाओ। ये मेरी मेहनत की कमाई है, उस दो कौड़ी की लड़की पे उड़ाने के लिए नहीं, समझे? आप हमारे पापा इसलिए चुप है वरना क्या? वरना क्या? हाथ उठाएगा, अपने बाप को मारेगा। भाई साहब प्लीज, भाई साहब शांत हो जाइए। बाहर तो बेटा जब से पैदा हुआ है ना, उस घर का चैन खा गया। आप शांत हो जाइए, हम पार्थ से बात करेंगे ना, आप चलिए अंदर। पार्थ, कैसे बात कर रहे तू पापा से? हाँ साहब, भाई साहब पार्थ को मैं समझाऊंगा, प्लीज आप शांत हो जाइए। अरे हरप, हमारे बगैर एक पैसे की औकात दी तुम्हारी। अरे तुमसे बेहतर तो जानवर होते, हम तो वफादार तो होते, तुम तो वफादार भी नहीं हो। वफादारी की बात तो आप मत कीजिए पापा जी। जिन वफादार नौकरों से आपकी शानो शौकत है ना, आपने तो उन पे भी शक कर लिया। पार्थ, पैसा कमाने का तेज दिमाग भले ही हो आपके पास, लेकिन इंसान को परखने का सच्चा दिल नहीं है आपके पास। पर हमें गर्व है अपने आप पे कि हम आपसे बेहतर हैं, हमारे पास सच्चा दिल है। आज तभी से बात कर पापा से। और हाँ, आप तो इस लड़की की भी तलाशी लेने वाले थे ना? हाँ, आप हमें कहते हैं ना कि हमने मोहल्ले में आपकी इज्जत डुबो दी। हमने नहीं, आपने अपनी इज्जत खुद डुबोई है अपनी इन हरकतों की वजह से। और एक मिनट भैया, और तुम अपने मुंह में अगर आवाज रखती हो ना, तो अपने हक के लिए बोलना सीखो। ये रोना गिड़गिड़ाना कायरों की पहचान होती है, समझी? बात कर। अगर हमें पता होता ना कि हमारी पैदाइश यही नतीजा होने वाला है, तो तुम्हारा घर दबा देता पैदा होते ही। बस बस करो आप, ये हमारा घर है, अखाड़ा नहीं है। जब देखो तब चिखना चिल्लाना, एक पल तो मेरी लल्ला को चैन की सांस लेने दो। महारानी का फोन भी बंद आ रहा है, बस और इंतजार नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं उसे लेकर। छाया, छाया सुनो, क्या हो गया तुम्हें? एक तो हर 3 सेकंड में तुम उसको कॉल लगा दे रही हो सकता है मोबाइल बंद हो गया हो। थोड़ा संयम रखो भाई, आ जाएगी। आपको आपकी बेटी की सीना से भी चिंता नहीं है? किसने बोला मुझे चिंता नहीं है? चिंता है लेकिन भरोसा भी है, आ जाएगी वो। अच्छा ठीक है, अगर 10 मिनट में नहीं आई वो तो हम खुद जाएंगे लेने। हम तो सिर्फ आपको बचाना चाहते थे पार्थ, हमें डर था कि अगर हम आपका नाम ले लेंगे तो अंकल जी नाराज हो जाएंगे और आपको बुरा लगेगा, लेकिन हम आइंदा कभी सच नहीं छुपाएंगे। को मदन और मंजू ने बहुत जलील किया आज, भगवान जाने क्या बीत रही होगी उस पर। लल्ला, लल्ला कहाँ जा रहे? दादी हमें मत रोकिएगा प्लीज। ठीक है, हम नहीं रोकेंगे, पर इस लड़की को उसके घर छोड़ाना। दादी हम किसी को नहीं छोड़ के आने वाले, ठीक है? नहीं, उसकी साइकिल खराब हो गई है, दिखता नहीं है। इतनी रात हो गई है, अकेली लड़की कैसे जाएगी? दादी मैं बोला ना हम। हाँ भैया जाइए ना, क्या पता इसी बहाने आपका भी मूड ठीक हो जाए। हमारा मूड ना सिर्फ पायल ठीक कर सकती है, समझी? ठीक है, हम समझ रहे हैं, दादी की खातिर छोड़ा ना। ठीक है छोड़ाते हैं, लेकिन आपके लिए। मीना कितनी बड़ी बेवकूफ है, सारा दिन तो हमारी जबान कैंची की तरह चलती रहती है, आज आके बुत बन के खड़े हो गए। सही डांटा हमें पार्थ ने, इसी लायक है हम। आओ माँ, आ,
चलो बैठो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। हाँ?